उसने कहा तूने मेरा तूने मुझसे पहला प्यार छोड़ दिया है। पहला प्यार याद करो, जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम चर्च मिस नहीं करते थे, जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम मीटिंग्स मिस नहीं करते थे, जब तुम परमेश्वर में आए थे तुम्हारी प्रार्थना कितने घंटों की थी, जब तुम परमेश्वर में आए थे किस लेवल की पवित्रता में तुम जीते थे, जब तुम परमेश्वर में आए थे किस तरह से तुम प्रार्थना करते थे, किस तरह से तुम वर्शिप करते थे, किस तरह से तुम रोजे रखते थे। अब परमेश्वर तुम्हारे खिलाफ ये कहता है कि स्मरण कर तुम कहां से गिरे हो, कहता है याद कर तुम कहां से गिरना शुरू हुए, स्मरण कर तुम टीवी नहीं देखते थे, स्मरण करो तुम फोन पर नहीं थे, स्मरण करो तुम कहां से गिरे हो, स्मरण करो याद करो तुम्हारी जिंदगी आत्मिक जो पहले साल मसीह में थी, जो दूसरे साल थी, या जब तुमने असल में तौबा की, जब तुम्हारी जिंदगी वैसी थी तब कैसी थी। परमेश्वर ने कहा याद करो तुम कहां से गिरे हो। शैतान ये चाहता है अंत के दिनों में कि तुम्हारी दीवट यानी तुम्हारे तुम्हारे तुम्हें दी हुई रोशनी, तुम्हें दी हुई ब्लेसिंग, तुम्हारा तुम्हें दिया हुआ रुतबा, तुम्हें दी हुई कुर्सी, तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग, परमेश्वर की दी हुई ग्रेस, परमेश्वर की दी हुई ताकत, उसका दिया हुआ अनुग्रह जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, परमेश्वर कहता है शैतान चाहता है कि ये हट जाए, इसलिए वो चाहता है कि तुम पाप करो, इसलिए वो चाहता है तुम पहला सा प्रेम छोड़ दो। परमेश्वर ने कहा ध्यान करो, मन फिराओ, देखो तुम कहां से गिरे हो, कहीं ऐसा ना हो तो मैं तुम्हारी दीवट को उस स्थान से हटा दूं। परमेश्वर ने कहा जो जय पाएगा मैं उसे स्वर्ग में उस जीवन के वृक्ष में से फल खाने को दूंगा जो स्वर्ग लोक में है, जो जय पाएगा मैं उसे श्वेत पत्थर दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे खंबा बनाऊंगा परमेश्वर के भवन का, जो जय पाएगा मैं उसे व्हाइट वस्त्र पहनाऊंगा, जो जय पाएगा वो स्वर्ग में रहेगा, जो जय पाएगा। परमेश्वर ने कहा आप लोग आज से जय पाने वाले हैं, और मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च, मैंने कहा मुझे आमीन ऊंचे वाला चाहिए।